मूवी की शुरुआत होती है और हम 18 साल के एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जैक होता है। जैक अपनी छुट्टियां मनाने अपने घर पर आता है। जैक यहां अपने फादर से मिलता है जिनका नाम डेविड होता है। इन दोनों को बात करता देख हम जान पाते हैं कि जैक की अपनी फादर से ज्यादा नहीं बनती, इसलिए ये अपने फादर से बात नहीं करता और कमरे में चला जाता है। जैक के फादर इससे बात करने की काफी कोशिश करते हैं लेकिन जैक इनसे बात करना ही नहीं चाहता था। अगली सुबह जैक जब सोकर उठता है तब ये अपने घर की बालकनी में आकर सिगरेट पीता है। वहाँ उसे अपने गार्डन में एक लड़की दिखती है, इसलिए ये कमरे से नीचे आकर उस लड़की को छुपकर देखने लगता है। तभी यहाँ पर उसके फादर आते हैं और वो जैक को बताते हैं कि वो लड़की इनके घर की मेड है जिसका नाम मारिया है और मारिया 40 साल की थी। डेविड मारिया और जैक को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इसके बाद जैक अपना कैमरा लेकर फोटो शूट करने चला जाता है क्योंकि जैक को फोटोग्राफी करना काफी पसंद होता है। फोटो शूट करने के बाद जैक घर पर आता है तो जैक यहाँ फिर से मारिया से मिलता है। ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं। जैक मारिया को बताता है कि जब ये छोटा था तो तभी इसकी मॉम की डेथ हो गई। इसके बाद इसके फादर ने अपनी दूसरी शादी कर ली लेकिन जैक को अपनी दूसरी मॉम जरा भी पसंद नहीं है और यही वजह है कि ये अपने डैड से नफरत करता है। अगले दिन जैक फिर से फोटो शूट करने जाता है। जैक फोटो शूट कर रहा था कि तभी एक लड़की इसके पास आती है और ये जैक से बातें करती है। ये लड़की जैक को अपने साथ बगल के झाड़ियों में चलने के लिए कहती है। तभी जैक को यहाँ मारिया दिखती है जो साइकिल लेकर यहाँ से जा रही थी। जैक यहाँ इस लड़की की बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देता और ये सीधा अपने घर पर आता है। घर आकर जैक छुपकर मारिया की फोटोज क्लिक करने लगता है। इसके बाद जैक जब किचन में आता है तब मारिया इसे उस लड़की के बारे में पूछती है और कहती है कि तुम्हें इतनी जल्दी घर पर नहीं आना चाहिए था, बल्कि तुम्हें तो उस लड़की के साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए था। लेकिन जैक मारिया की बातों पर ध्यान नहीं देता क्योंकि ये खुद मारिया की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। ये दोनों यहाँ पर बातें कर ही रहे थे कि जैक यहाँ मारिया से कहता है कि ये इसके साथ काफी कंफर्टेबल फील करता है। जैक यहाँ मारिया को अपने मॉम की कुछ फोटोज दिखाता है और कहता है कि मारिया इसके मॉम की तरह ही दिखती है। जैक की बात सुनने के बाद मारिया भी जैक को अपने बीते हुए कल के बारे में बताती है। मारिया कहती है कि जब ये 16 साल की थी तो तभी ये प्रेग्नेंट हो गई थी और जब ये प्रेग्नेंट थी तो तब इसके बॉयफ्रेंड ने भी इसे छोड़ दिया और ये सब होने के बाद भी इसने अपने उस बच्चे को जन्म दिया। लेकिन दुख इस बात का है कि वो उस बच्चे को अपने पास ज्यादा दिन तक नहीं रख पाई। मारिया और जैक अब धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और ये दोनों अपने हर एक सीक्रेट को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। इसके बाद हम जैक के फादर डेविड को देखते हैं जो जैक से बात करके अपने बिगड़े हुए रिश्ते को ठीक करना चाहते थे लेकिन जैक अपने फादर से बात करना नहीं चाहता था और ये इन पर गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है। अगले दिन जैक के फादर ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गए होते हैं और घर पर मारिया और जैक अकेले होते हैं। मारिया यहाँ जैक से कहती है कि तुम्हें अपने फादर के साथ ऐसी बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो तुमसे काफी ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए तुम्हें उनसे अच्छे से बात करनी चाहिए। जैक मारिया की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। रात में सोते समय जैक अपने कैमरे में मारिया की फोटोज देखता है। जैक मारिया की फोटोज देखते देखते अपनी हाथ गाड़ी चलाता है और यहीं पर सो जाता है। अगले दिन हम मारिया के एक्स बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो मारिया से मिलने आता है। मारिया अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बात करती है। जैक यहाँ छुपकर इन दोनों की बातें सुनता है। मारिया का एक्स बॉयफ्रेंड मारिया से कहता है कि ये आज भी इससे प्यार करता है और अगर मारिया चाहे तो ये दोनों आज भी एक साथ में रह सकते हैं, लेकिन मारिया इसके साथ रहने से मना कर देती है, इसलिए मारिया का एक्स बॉयफ्रेंड चुपचाप यहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन जैक का बर्थडे था। जैक जब सुबह सुबह अपने किचन में आता है तब मारिया इसे बर्थडे विश करती है। ये सुनकर जैक भी काफी खुश होता है। मारिया पूछती है कि तुम्हें बर्थडे में क्या गिफ्ट चाहिए, तो जैक कहता है कि मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए बल्कि गिफ्ट के बदले इसे टच करना चाहता है। ये सुनकर मारिया को काफी अजीब लगता है और ये इन सब के लिए जैक को मना कर देती है, लेकिन जैक यहाँ मारिया की बात नहीं मानता और ये मारिया को टच करने लगता है। ये सब मारिया को ठीक नहीं लगता, इसलिए ये जैक को एक थप्पड़ मारती है। तभी इनकी डोरबेल बजती है। मारिया जब डोर ओपन करती है तब यहाँ पर एक लड़की आई होती है। ये वही लड़की है जो उस दिन जैक को अपने साथ झाड़ियों में चलने के लिए कह रही थी। जैक इस लड़की के साथ बाहर आता है। ये लड़की से बात करती है। ये लड़की चाहती थी कि जैक इसके साथ खपागप करे लेकिन अपने जैक को लड़कियाँ पसंद नहीं होती बल्कि इसे तो
तो औरतों में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, इसलिए ये इस लड़की से ज्यादा बात नहीं करता और घर पर आ जाता है। घर आकर जैक देखता है कि मारिया रो रही थी। जैक इसके पास आता है और ये मारिया से बात करने की कोशिश करता है। जैक मारिया से कहता है कि ये इसके बेटे जैसा है, इसलिए ये इसके गले लगना चाहता है। मारिया भी ये बात मान लेती है। मारिया जैक को अपने गले से लगा लेती है। जैक मारिया के गले लगते ही ये इससे चिपक जाता है। जैक मारिया को अपने साथ खपागप करने के लिए कहता है, जिस पर मारिया भी हाँ कह देती है। जैक और मारिया यहाँ चुम्मा चाटी करने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से मारिया को ये सब अच्छा नहीं लगता और ये जैक को चुम्मा चाटी करने से रोकती है। मारिया यहाँ से उठकर चली जाती है, जिसकी वजह से जैक भी उसके पीछे पीछे जाता है। मारिया कहती है कि हम लोग जो कर रहे थे वो गलत है, क्योंकि ये 40 साल की है और जैक केवल 18 साल का है, इसलिए इनका आगे कोई भी फ्यूचर नहीं होगा। लेकिन जैक मारिया को कन्विंस करने की कोशिश करता है, जिससे मारिया जैक की बात मान लेती है और ये जैक के साथ यहीं पर खपागप करती है। खपागप करने के बाद मारिया जैक से कहती है कि इसे अपने फादर से अच्छे से बात करनी चाहिए। अगले दिन मारिया किचन में काम कर रही थी कि तभी जैक यहाँ पर आता है। जैक मारिया के साथ फिर से खपागप करने का मूड बनाता है, लेकिन तभी उसके फादर घर पर आ जाते हैं। अपने फादर को देख जैक अपने मिशन को टाल देता है। डेविड जैक को बर्थडे विश करता है और इसे एक गिफ्ट भी देते हैं। डेविड जैक को अपने साथ डिनर पर चलने के लिए कहते हैं, लेकिन जैक इनके साथ जाने से मना करता है और यहाँ से चला जाता है। उसके बाद मारिया जैक के पास आती है और ये जैक को समझाने की कोशिश करती है। मारिया कहती है कि वो तुम्हारे डैड है, इसलिए तुम्हें उनसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। जैक यहाँ मारिया की बात मान लेता है और ये अपने फादर के पास आता है और इनसे बात करता है। डेविड को यहाँ पता चलता है कि जैक को लगता था कि उसने दूसरी शादी इसलिए की क्योंकि ये जैक की मॉम से प्यार नहीं करते। इस बात पर डेविड जैक को समझाता है और कहता है कि इसने दूसरी शादी इसीलिए की ताकि ये जैक का अच्छे से ख्याल रख सके। डेविड अपने बेटे से कहते हैं कि ये इससे काफी ज्यादा प्यार करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। डेविड ने काफी ज्यादा ड्रिंक की थी, इसलिए ये यहीं पर सो जाते हैं। अगले दिन हम जैक और मारिया को एक साथ में देखते हैं। मारिया जैक को अपने घर लेकर आती है। जैक मारिया के साथ फिर से काफी क्लोज होता है, इसलिए मारिया यहाँ जैक को बताती है कि इसका बेटा जब छोटा था तो तभी उसका एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से वो मारा गया। ये कहकर मारिया रोने लगती है, लेकिन जैक इसे शांत कराता है। जैक यहाँ मारिया के साथ फिर से खपाखप करता है। इसके बाद जैक अपने घर आता है। जैक यहाँ पहली बार अपनी डैड से अच्छे से बात करता है। जैक को अच्छे से बात करता देख डेविड भी काफी खुश होते हैं। अब जैक की छुट्टियाँ खत्म हो चुकी थी, इसलिए जैक अब वापस हॉस्टल जाने वाला था। जैक अपना सामान पैक करता है और ये मारिया से मिलकर उसे एक गुड बाय किस करता है। घर से जाते समय जैक अपने फादर के गले लगता है और ये देखकर हम समझ पाते हैं कि जैक ने अपने फादर को माफ कर दिया है। जैक यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम मारिया को देखते हैं जो कि अपने घर पर आती है। मारिया अपनी मॉम से मिलती है और ये अपने मॉम को बताती है कि अब ये प्रेग्नेंट है। ये सुनकर इसकी मॉम इसे गले लगा लेती है और रोने लगती है। मारिया के पेट में जो बच्चा था वो जैक का है। लास्ट सीन में हम मारिया को खुश देखते हैं और इसी के साथ ही मूवी यहाँ पर खत्म होती है।